महाराष्ट्र, अगर पंडित जी हम लोग उधर की बात करते हैं तो आपके जो बड़े बड़े कलाकार संगीतकार थे आपके घराने में, उन सब की आवाज़ अलग अलग थी। बिल्कुल। जैसे ओंकारनाथ ठाकुर हैं, डीवी पलुस्कर जी हैं, विनायक राव पटवर्धन हैं, तो आप महाराष्ट्र में जो गायकी आई ग्वालियर गायकी है जी, ये पंडित बालकृष्णभाव इचलकरंजीकर लाए जी। बालकृष्णभाव इचलकरंजीकर वहाँ दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र वहाँ रहते थे। इचलकरंजी एक गाँव है जी, तो महाराष्ट्र में रिवाज है कर नाम गांव के आगे, कर मतलब उस गांव के रहने वाले। तो इचलकरंजी गांव है, वहाँ के बालकृष्ण बुआ, और घर की निर्धनता इसी थी और गाने का संगीत का बहुत शौक था, आवाज़ भी अच्छी थी, और उन्होंने ठान लिया तो मैं अब संगीत ही करूँगा, संगीत ही सीखूँगा। और उस समय संगीत सीखने के लिए आदर्श स्थान जो था, जगह थी, वो ग्वालियर, क्योंकि वहाँ ये सब हो रहा था। तो ये मैं ग्वालियर जाऊंगा और वहाँ से संगीत सीखूंगा, ये उन मन में ठान ली उन्होंने। और युवावस्था में पैदल शुरू किए चलना ग्वालियर की तरफ, और लगभग 4 महीने में वो ग्वालियर पहुँचे। चार महीने चल के, मतलब जो भी साधन मिले पैदल, अधिकतर पैदल, वरना कोई बैलगाड़ी मिले, उस समय साधन भी सीमित थे, बैलगाड़ी है तो बैलगाड़ी, और जो भी मिले तो वहाँ से वहाँ पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने, वहाँ एक से एक धुरंधर गायक थे, और वहाँ पर उन्होंने वासुदेवराव जोशी जो हद्दू खां के शिष्य थे, हस्सू खां के शिष्य थे, तो उनके पास जाके उन्होंने निवेदन किया और उनसे वो संगीत सीखे। पर पंडित जी, अभी हम लोग जो डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि आप लोग रियाज करते हैं, चाहे कोई भी करता है रियाज, तो आपकी रियाज में ये नहीं कहा जाता है कि आप अपनी आवाज़ को अपने गुरु से मिला लें? हाँ, वही उसी की तरफ आते हैं जी, जी। तो उनसे उन्होंने सीखा, और अधिकतर ये हुआ कि होता था कि जैसे वहाँ जाके सीखे वहीं बस गए, ये महाराष्ट्र में वापस आए और जो तालीम उन्होंने ली उसमें आवाज़ के लगाव के तरीके जो उन्होंने सीखा, तो उसमें जैसे पंडित जी ने कहा, प्रिंसिपल तो यही है कि आपकी अपनी स्वाभाविक नैसर्गिक आवाज़ उसको पुष्ट करना है, और खुले आकार में ये गायकी है, अपनी आवाज़ में खुले आकार में ये गाइए, इस तरह की गायकी। अब ऐसे के आवाज़ें अनेक, व्यक्ति अनेक, उनकी आवाज़ें अनेक, हर एक के आवाज़ की खूबी देखकर उस तरह से उनको रियाज करवाया जाता था, और उस तरह से वो आवाज़ अच्छी मतलब पुष्ट की जाती थी, उसमें ताकतवर आवाज़ की जाती थी, और उसी आवाज़ में आकार में, ये आकार की गायकी, खुले आकार की गायकी, तो इसमें आप गाइए, और उनको सारी तालीम करवाई जाती थी। तो उससे क्या होता था कि नींव एक, सिलसिला एक, बट फ्रीडम टू, फ्रीडम अलग है, अपनी अपनी आवाज़ की लगाव अलग अलग है, अपनी आवाज़ के से आप उसको आप ले जाइए, आगे जाइए, तो हर एक की कल्पना अलग अलग, आवाज़ अलग अलग, और उसके तरह से उसके जो हम कहते हैं कि एक चीज़ के अलग अलग पहलू, ये पहलू निर्मित होते थे, निर्माण होते थे, अलग अलग सौंदर्य से वो आगे चलते थे, लेकिन सबकी नींव एक ही। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, बिकॉज जिस घराने में कितने अलग अलग आवाज़ की गायकी हम लोगों ने सुना है, आप लोगों को उन लोगों के बारे में कुछ बताएं, जैसे हाँ पंडित बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर जो आए, उनको ग्वालियर के महाराष्ट्र में जो आए, उनको पितामह कहा जाता है, उन्होंने अनेक शिष्य तैयार किए, अनेक शिष्य तैयार किए, और उनके शिष्यों में एक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ये थे। तो उनके और भी शिष्य हुए, अंतु बुआ जोशी और इंगड़े बुआ, गुंडू बुआ इंगड़े ये थे, फिर मिराशी बुआ, कई शिष्य उन्होंने तैयार किए, और सबको मुक्त हस्त से विद्यादान किया, और सब तैयार किए। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर बहुत बड़ा नाम है, तो वो बालकृष्णभाव इचलकरंजीकर के शिष्य थे, उनसे वहाँ सारी गायकी उन्होंने हासिल की, और उसी तरीके से उसी तालीम से उन्होंने अपने शिष्यों को तैयार किया। अब देखिए उनके शिष्यों में कितने अलग अलग आवाज़ के क्वालिटी right. जो है, yes, अलग अलग right. इनके अलग अलग शिष्य हुए हैं और उनको उनके आवाज़ के अनुरूप उन्होंने गायकी के बंदिश और ये सारे उसके विस्तार जो होते वो उन्होंने सिखा है। तो नींव तो एक ही है, और उसके जो विस्तार और आगे जो है वो अपनी अपनी आवाज़ से, अपनी अपनी इससे उन्होंने बनाए। और उनके शिष्य पलुस्कर जी के शिष्य, उनके भी शिष्य, और यहाँ हमारे साथ बैठे पंडित शरद साठे जी, डीवी पलुस्कर जी के, दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर, डीवी पलुस्कर जी के शिष्य आप हैं, तो आप उनके बारे में बता सकते हैं। उससे पहले
ओमकारनाथ जी का आवाज, विनायक प्रदन जी का आवाज अलग अलग था, फिर भी उनका गायकी का ढंग वही ख्याल था जो बालकृष्ण बाबा ने उन्हें सीखा। और पलुस्कर जी मेरे गुरु जी दीवी पलुस्कर विष्णु दिगंबर जी के लड़के, विष्णु दिगंबर जी जब गुजर गए वो खाली 9 बरस के थे, तभी उनका गाना उन्होंने इतना सुना नहीं था, 1-2 मरतबा उनसे सीखा था। और बाद में किसी ने पूछा आपके पिताजी का आवाज़ कैसा था, तो उन्होंने जवाब दिया कि आजकल जो ओंकारनाथ ठाकुर जो गाते हैं उनका जो आवाज़ है वो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी से मिलता जुलता था। इससे वो खुद मुझे बताया उन्होंने, डीवी पलुस्कर जी ने। अच्छा। इसमें अंदाज कर सकते हैं विष्णु दिगंबर जी का। हाँ, यही बात मेरे पिताजी पंडित नारायण राव व्यास जी को यही बात उन्होंने बताई कि उन्होंने जो बताई थी कि वो उनकी आवाज़, क्योंकि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने अपनी रिकॉर्डिंग नहीं की, उनकी कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल बनाई नहीं, उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की उन्होंने, जो भी वजह हो तो, लेकिन उन्होंने उनके शिष्यों द्वारा बनाई रिकॉर्डिंग के लिए उनको सराहा, उनको पूरा आशीर्वाद दिया। मेरे पिताजी ने सन 1929 में उनकी जब पहली रिकॉर्ड बनी तो उन्होंने उन रिकॉर्ड को भेंट किया अपने गुरु जी को, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी को, तो वो सुनकर वो इतने खुश हो गए कि उनको आगे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ा काम किया, संगीत के प्रसार प्रचार के लिए एक बहुत बड़ी बात ये होगी, इस तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया। लेकिन पंडित पलुस्कर जी ने, विष्णु दिगंबर जी ने अपनी रिकॉर्डिंग नहीं की, तो उनकी आवाज़ की कल्पना कैसे करें। तो ऐसे कि उनके जो शिष्य पंडित ओंकारनाथ ठाकुर और पंडित विनायक राव पटवर्धन, उन आवाज़ों को अगर मिलाया जाए तो जो एक आवाज़ होगी उसको वैसी आवाज़ होगी, कल्पना कर सकते हैं कि वो उनकी आवाज़ थी जी। तो एक इस तरह की आवाज़ जो है, और उसमें उन्होंने अलग अलग तरीके के गायकी और अलग अलग तरीके बंदिश है और ये प्रकार भी है, जैसे ख्याल है, ठुमरी है, टप्पा है, ये सारे प्रकार तो उन्होंने शिष्यों को सुना सिखाए। और उसके साथ साथ ये किया कि ये प्रकार जो है कि ये तुम्हारे गले के लिए ज़्यादा अनुकूल है तो इसी को और ज़्यादा करिए। जैसे ठुमरी, मेरे पिताजी को उन्होंने कई ठुमरियाँ सिखाई, पिताजी की आवाज़ थोड़ी सी लोचदार और ठुमरी के अनुकूल थी तो उनको कई ठुमरियाँ सिखाई। पंडित पटवर्धन जी को भी ठुमरियाँ सिखाई थी लेकिन उनकी आवाज़ उतनी अनुकूल उन्होंने नहीं बताई, तो ये जान लो सीख लो, लेकिन गायने के लिए उनको इनको प्रोत्साहन किया। तो इसी तरह जो है वो अलग अलग तरीके के जो है प्रकार उनको सिखाए ताकि आवाज़ का सदुपयोग हो। किसी ने पूछा था उस वक्त, आप ठुमरी गाते नहीं, भजन वगैरह अच्छी तरह से गाते, ख्याल तो गाते ही है लेकिन ठुमरी का हमारा आवाज़ नहीं है, तो मैं उसकी कोशिश नहीं की गई, भजन वगैरह तक ठीक है, ठुमरी अलग प्रकार की। तो ये जो सोच है और ये जो दृष्टि है कि किसकी मेरे शिष्यों में से किसकी किस तरह की कौन सी कैसी आवाज़ है, उनको लेकर उनके प्रकार उनके आवाज़ में ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो वो उन्होंने प्रोत्साहन किया, इनकरेज किया कि आप अपने नेचुरल आवाज़ में गाएं। लेकिन नेचुरल आवाज़ जो है, जैसे हम कहते हैं कि उसका फाउंडेशन नींव, वो जो नींव है वो उस तरह की उन्होंने सबकी एक साथ एक जैसे खुले आवाज़ में अपने स्वाभाविक आवाज़ की खुले आकार में गाने की वो नींव बनाई और सिलसिला बनाया। जी 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 पंडित जी, आप कुछ? मैं ये कह रहा था कि पिताजी के अनेक शिष्य थे और हर एक जना उनकी नकल करने का कोशिश करता था, वो हर कॉन्फ्रेंस में अपने साथ 2 शिष्य ले जाते थे, तो नकल करने की उनकी कोशिश होती, तो वो कह रहे मेरी नकल मत करो, मुझसे सीखो और अपना रियाज करो और अपना गाना अपने गले से गाओ, मेरी नकल मत करो, ये उनकी सख्त हिदायत थी। और वो तो हरवल्लभ में 15-20 हज़ार लोगों को बिना विदाउट माइक गाना गाते थे वहाँ पर। हर 1930 के बाद आया माइक, उसके पहले माइक नहीं था, तो हरवल्लभ में तो 15-20 हज़ार ऑडियंस जमती थी पहले, तो वहाँ विदाउट माइक गाते थे। क्या बात है। तो ये दिस इज़ अ वेरी आई थिंक ट्रेडिशन और इनोवेशन का जो बैलेंस आपके घराने में दिखता है वो बहुत। और दूसरी बात कि मेरे दादाजी ठुमरी बड़ी चाव से गाते थे, मेरे पिताजी बहुत कम गाते थे। और निसार हुसैन खान से वो कोई फरमाइश करता कि साहब आप देख ग्वालियर वाले निसार हुसैन खान कि आप ठुमरी सुनाइए, तो वो करे मेरी शिष्य हैं उनसे सुनो ठुमरी। तो एक तो बिल्कुल महफिल का जिक्र किसी ने मुझे सुनाया था कि एक रात किसी सरदार ने महफिल की, उस महफिल में निसार हुसैन खान साहब और मेरे दादाजी शंकर पंडित जी का गाना था, तो निसार हुसैन खान
बैठे हैं और उनके उनके विजय तानपुरा लेके शंकर पंडित जी बैठे हैं, तो रात भर गाना हुआ। फिर करीब 3-4 बजे वो निज़ार हुसैन खान साहब ने गाना समाप्त किया और वो उठ गए। तो सरदारों ने सोचा कि अब तो सुबह होने वाली है, तो उन्होंने कुछ गाने वालियों को बुलाया था, उनको कहा कि ज़रा, तो उन्होंने कहा इनको, उनको पैसे दे के बुलाया था, तो उन्होंने उनसे कहा कि भैया अब तुम्हारा गाना हो जाए। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि अब हमारा गाना नहीं हो सकता। क्यों? अब उन्होंने कहा कि क्यों, हमने तुमको पैसे दिए, ना ही कैसा कर सकती हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम शुरू करते हैं। अब जब शुरू जब किया गाना, तो उनको लगा कि बेसुरा गा रही हैं। उस हॉल में वो जो आवाज़ गूंजी थी और जो स्वर जम गया था, उसके सामने इनके स्वर फीके थे, ऐसा लग रहा था बेसुरा गा रही। फिर उन्होंने कहा कि भैया बंद करो तुम, तो सुर का चमत्कार है और गायकी का चमत्कार है। तो इस चमत्कार को आप लोग अपने फैमिली में जी, अपने परिवार, पंडित परिवार ने जी सालों से कायम रखा है जी जी जादू को। आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा उसकी जी जी हम लोग परंपरा जो आपने चिंचवड़ के रहने वाले हैं जी, और पूना के पास चिंचवड़ है, हम चिंचवड़ करते हैं हमारा नाम पहले, और चिंचवड़ से 19वीं शताब्दी के शुरू में ग्वालियर आए। जब जी सिंधिया जब उन्होंने ग्वालियर आए, तो बहुत सारे परिवार महाराष्ट्र से ग्वालियर आए, वो कीर्तनकार थे और संस्कृत के वेद शास्त्र संपन्न थे। विष्णु पंडित जी कीर्तनकार थे और उनके 4 बेटे थे, पंडित गोपाल राव, पंडित गणपत राव, पंडित शंकर राव और पंडित एकनाथ राव। ये 4 बेटे उनके साथ कीर्तन में मदद करते थे, कोई तबला बजाता, कोई पखावज, कोई हारमोनियम, कोई तानपुरा, इस तरह से इनका कीर्तन होता था। तो इनका संबंध स्थापित हुआ नथन पीरबख्श से, नथन पीरबख्श जो ग्वालियर में जी, थे बहुत मशहूर। तो नथन पीरबख्श संबंध हुआ, तो नथन पीरबख्श ने उनसे यह अनुरोध किया कि उनके जो नाती थे हस्सू हद्दू और नथु खासा, इनको वो मराठी की आर्या यानी डिवोशनल सॉन्ग्स और संस्कृत के श्लोक सिखाएं, क्योंकि महाराज के साथ वो कीर्तन करते थे। तो इस तरह से इन दोनों परिवारों में, यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, कीर्तन परंपरा की, महाराष्ट्र की कीर्तन परंपरा बहुत ही सुदृढ़ और सशक्त परंपरा थी, और जितने सारे ग्वालियर घराने के जो गायक जितने सारे हुए, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी और उनके बालकृष्ण भाई चलकरण जी कर, वासुदेव राव जोशी पंडित परिवार के, सभी का संबंध कीर्तन परंपरा से था। क्या बात है, वो कीर्तन परंपरा से जुड़े हुए थे सभी जी, और उनके घर में ही कीर्तन परंपरा से, वो कीर्तन मतलब गाने वाली, गाए जाने वाली, तो संगीत उनके घर में था ही था ही, और उसको फिर आगे वो ले गए जी जी। तो संगीत तो था ही जी, कीर्तन में संगीत आता है जी। तो उसके बाद इस परिवार से उनकी घनिष्ठता हुई, और फिर हद्दू खान साहब से मेरे परदादा जी ने विनती की कि मेरे 4 बेटे हैं, वो संगीत में बहुत शौक़ रखते हैं और थोड़ा बहुत गा लेते हैं, तो उनको आप अपना शिष्य बनाए। तो हद्दू खान साहब ने उनको सुना, और शंकर पंडित जी की आवाज़ में ऐसी कोई लकब थी कि वो लकब खान साहब को बहुत पसंद आई, हद्दू खान साहब को, और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको सिखाऊंगा। तो वो उनका जो घर है चौड़ी बाजार में घर है उनके तलघर में वो रियाज करते थे, तलघर में गड्ढे पड़े हुए हैं जहाँ वो रियाज करते, बेसमेंट में। तो वहाँ उनकी तालीम होती थी, रहमत खान साहब भी कभी आ जाते थे, और बुढ़ापे में हद्दू खान साहब को ये हो गया था, क्या कहते हैं, पैरालिसिस हो गया था, तो उनको ला के बैठाना पड़ता था, और रहमत खान, हद्दू खान, निसार हुसैन खान और सारे लोग बैठ के तालीम होती थी। इस तरह से हद्दू खान का देहांत हुआ 1883 में, उसके बाद में नथु खान साहब उनके जो भाई थे, उनके चचेरे भाई, उनसे तालीम हुई, वो तराना, तिरवट और चतुरंग के बहुत माहिर थे, उस्ताद थे अलग अलग शैलियों के, तो उनसे तालीम हुई। और फिर वहाँ एक घटना हो गई कि जयजीराव सिंधिया का देहावसान हुआ 1886 में, वो देहावसान हुआ तब उनके जो बेटे थे माधवराव सिंधिया वो नाबालिग थे, इसलिए वहाँ रीजेंसी काउंसिल का ज़माना आया। रीजेंसी काउंसिल का ज़माना आने से रीजेंसी काउंसिल के लोगों ने सोचा कि इन गवैयों को इतनी भारी तनख्वाह क्यों दें, तो उन्होंने तनख्वाह उनकी कम कर दी। तो ये लोग रहमत खान साहब चले गए बनारस, और निसार हुसैन खान साहब हमारे घर पर आए।
आपके घर पे आके रहने लगे, रहने लगे, यानी परिवार का सदस्य बनकर। उस समय जब कि एक वेदांत संपन्न ब्राह्मण के यहाँ किसी खान साहब का रहना एक मुसलमान का इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल था, अशक्य था। मगर एक तो समाज में संगीत का प्रेम इतना था कि समाज ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और वो हमारे यहाँ एज ए सदस्य रहने लगे। धर्मनिरपेक्षता की एक बहुत बड़ी उदाहरण है। और फिर वहाँ उन्होंने जनेऊ भी पहना और चुटिया रखी, मैं निसार भट्ट हूँ। और जो ब्राह्मणों की पंक्तियाँ, जो खाना होता था ब्राह्मणों का, उसमें उनकी सीट अलग लगती थी, वो उनके साथ खाना खाते थे और वहाँ श्लोक गाते थे, संस्कृत के श्लोक। वो संस्कृत जानते थे, पर्शियन जानते थे और उर्दू तो जानते ही थे। तो निसार हुसैन खान साहब इस तरह से हमारे घर आमरण रहे। क्या बात है। मगर एक बात और बताऊँ आपको, उस समय संगीत सीखना इतना आसान नहीं था। क्यों? जिस तरह से आज आप किसी टीचर को कुछ मासिक ये दे के आप संगीत सीखते हैं, उस समय ये प्रचलित नहीं था। संगीत उस्ताद जब ही सिखाता था जबकि वो उस्ताद खुश हो कि शागिर्द ठीक है, ये शागिर्द में बनने लायक है, नहीं तो वो संगीत नहीं सिखाते थे। मौलवी लोग थे वो, बिल्कुल मतलब ये इनका ये आलम था कि निसार हुसैन खां को जहाँ से पैसे मिले तो गरीबों में बांट देते थे। तो संगीत तो उस्ताद लोग जब ही सिखाते थे जब उनको मन पसंद होगा कि ये शागिर्द कुछ करेगा। तो हमारे चाचा जी एकनाथ पंडित जी के जो बेटे थे, काशीनाथ पंडित जी, एक दिन मुझे कहा कि बेटा तुम तो बड़े आराम से सीख रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं हमने क्या पापड़ बेले हैं। अब पापड़ बेलना क्या? मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने पापड़ बेलना है नहीं, उस्तादों की सेवा। उस्तादों की सेवा कैसी की है शंकर पंडित ने और हमने? उन्होंने उदाहरण दिया कि मैंने जब खान साहब को नहाना है तो खान साहब तो कुएं के पास, पहले तो नल था नहीं, कुएं के पास बैठ जाते थे, उन्होंने आवाज़ देते किशन मुझे नहाओ। अब वो रस्सी से, मैंने हम छोटे छोटे से 10-12 साल के हम लोग थे, तो रस्सी से वो खींच के हम उनको नहलाते थे। और जब तक खान साहब नहीं नहीं कहे तो हम ये नहीं पूछ सकते कि साहब आप हो गया बस ना, ये हम नहीं पूछ सकते थे और हमारे हाथ छिल जाते थे। हम ये नहीं पूछ सकते थे कि खान साहब अब आप बहुत करें। लेकिन आपका गला साफ हो गया, हाथ तो छिल गए लेकिन गला साफ हो गया। नहीं, इस तरह से संगीत की शिक्षा बढ़ी। और खान साहब का एक और था, खान साहब के तकिए के नीचे एक कलदार न सुबह नहीं मिले तो उनका मिजाज ख़राब हो जाता था। उस समय मासिक तनख्वाह किसी की 6-8 रुपए होती थी, तो एक कलदार रोज उनको देना, इसमें परिवार को बहुत कष्ट झेलना पड़ा। एक समय खाना खाते थे और दाल में सिर्फ पानी होता था, दाल नहीं होती थी, क्योंकि खान साहब की सेवा करनी है। मगर हमारे पिताजी ने कभी मुझे एक शब्द भी नहीं कहा कि ऐसे हमने ना, कभी नहीं। एक बार सह्याद्री मासिक चलता था पुणे से, उसमें निसार हुसैन खां की एक तस्वीर छपी। उस पर विवाद हो गया कि निसार हुसैन खां की तस्वीर है कि नहीं, क्योंकि वो तस्वीर अलग तरह की थी। तो उसने संपादक ने पंडित जी को रेफ़र किया, तो पंडित जी ने कहा तो तस्वीर तो खां साहब की है, अलग तरह की है ये। तो उन्होंने मुझे कहा लिखो तुम जरा कि ये तस्वीर खां साहब की है और खां साहब के बारे में लिखो। तो मैं उस समय मैट्रिक पास किया था, तो मैंने कुछ शब्द जोड़ दिए। खान साहब बड़े मनमौजी थे, बड़े मस्त थे, उनको उनको इस तरह से उनको थोड़ा सा मैंने खान साहब का वर्णन कर दिया, तो वो उनको निभाया। उन्होंने पढ़ा ऐसे आग बोला बबूला हो गए कि तुमको क्या हक है कि अपने गुरु के बारे में इस तरह से लिखने का, उन्हें हर एक का स्वभाव होता है, इसमें क्या है, उनका स्वभाव है वैसा, और हमें तो उन्होंने विद्या दी है, तुम उनके बारे में ऐसा कैसा कह सकते हो जी। तो ये थी गुरु सेवा। मुझे पिताजी हरदम कहते थे कि भैया तुम सिखा रहे हो कि नहीं, ये शंकर पंडित जी ने बड़े ही मेहनत से कष्ट से विद्या ली है जी। जी, लेकिन निसार हुसैन खान साहब के व्यक्तित्व के बारे में, अरे बाबा उनका व्यक्तित्व बड़ा बहुरंगी था और बड़े ही मतलब ये कहता ही वॉज ए यूनिक मैन। एक 6 फुट ऊँचा कद, फिर पजामा अंगरखा और वो तुर्की टोपी डाल के ऐसा लगता था कि कोई राजा आ रहा। तो उनके बारे में तो ये है कि उनको रेलगाड़ी में जाने का बड़ा शौक, घूमने का बहुत शौक था, घूमने का बहुत शौक। एक बार दो किस्से आपको सुनाऊंगा। एक बार वो अपने ग्वालियर स्टेशन के पास डफरिन सराय है, वहाँ बैठकर वो उन्होंने खीर बनाई,
खीर बनाकर, इतने में कोई पूना से आए थे उनसे मिलने, तो उनसे मिलने वो आ गए बाहर। जब तक उनकी मुलाकात ख़त्म हो गई, खीर बिल्ली खा गई। तो खा साहब ने, पूना के आदमी ने लिखा कि खा साहब ने आधी घंटा ऐसी गाली दी कि एक गाली की रिपोटेशन नहीं। तो एक बार बिना टिकट के थे, तो वो एक टिकट ने वो तो उतार दिया, उतार दिया। तो उन्होंने प्लेटफार्म पर दरी बिछाई और वहाँ गाना शुरू कर दिया। गाना शुरू हो गया तो भीड़ लग गई वहाँ, तो वहाँ तो हरी झंडी दे रही है मगर वो गार्ड हरी झंडी नहीं दे रहा। तो गार्ड आया, उसने कहा कि ये क्या हो रहा है, लोग क्यों इकट्ठा है? तो उसने सबको बैठाया अंदर, उन्होंने कहा आप भी बैठिए, खान साहब का चले। ऐसे एक बार खान साहब गए थे कलकत्ता, तो कलकत्ता में गवर्नर जनरल के वहाँ गए, उस समय राजधानी कलकत्ता थी। गवर्नर जनरल के यहाँ इसका क्या कहते हैं, जो डोरी के ऊपर ये करते हैं नट, उनका खेल चल रहा था। तो पहले ज़माने में इतनी सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती थी, वो अंदर चले गए और वो खेल देखा। खेल जब समाप्त हुआ तो खान साहब ने गवर्नर जनरल के सामने जाके सलाम किया। गवर्नर जनरल ने देखा और उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा कोई अलौकिक व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा आप कौन हैं? मैंने, मैं गायक हूँ, मैंने गाना सुनाओ। तो उन्होंने गॉड सेव द क्वीन, उस समय रानी का राज्य था, गॉड सेव द क्वीन गाया, क्वीन ये उनका राष्ट्रीय गान था हमारा, वो सुनाया। तो गवर्नर जनरल बहुत खुश हुआ, उन्होंने कहा क्या बात है, एक और गाना सुनाओ। तो उन्होंने एक रेल की चाल के ऊपर एक तराना उनको सुनाया। जी जी, तो वो बहुत ही खुश हो गए। मैंने, आपको क्या चाहिए? मुझे वो रेल का पास चाहिए। तो ग्रांटेड। तो उनको रेल का पास मिला, सेकंड क्लास का, शायद फर्स्ट क्लास का या सेकंड क्लास का। उस समय तो चार क्लास थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इंटर क्लास और थर्ड क्लास। सेकंड क्लास तो बहुत ही एक, और दो थर्ड क्लास के पास उनको मिले। तो हिंदुस्तान में कहीं भी आप जा सकते हैं विदाउट गिविंग एनी फेयर। तो ये तराना आपको याद है? कुछ सुना तराना कुछ याद है, मगर कुछ अंतरे में उसके भूल रहा हूँ, अगर जो याद है वो आपको सुनाता हूँ। जरूर, ये हम लोग सुनना चाहेंगे, ये रेल से इंस्पायर्ड तराना। यहाँ एक बात कहूँ कि रहमत खान साहब जब बनारस गए जी, तो बनारस में वो मांग के खाते थे, उनके पास कोई साधन नहीं था। तो छत्रे साहब जो कि हद्दू खां के शिष्य थे और जिन्होंने पहली सर्कस बनाई हिंदुस्तान में, छत्रे सर्कस, वो वहाँ आए थे। तो उनको किसी ने कहा कि साहब यहाँ तो कोई एक ऐसा मांग के गाना गाता है हमें। तो उन्होंने कहा कौन है, उसको लाओ। तो उसको देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनके गुरु का लड़का था। ओहो। तो तब से उन्होंने रहमत खान साहब को अपने साथ रखा, अपने साथ खाना खाते थे उनके साथ। क्या बात है। और रहमत खान साहब तो उनकी गायकी ऐसी है कि उसके गायकी का प्रभाव सब दूर हो गया था। और रहमत खान साहब भूगंदर की उनको वो थी, और नेपाल भी गए थे वो, नेपाल में उनको बहुत बड़ा खिताब मिला था। जी जी। तो वो रहमत खान साहब की रिकॉर्डिंग भी है। जी जी। वो रिकॉर्डिंग सुनने से आपको पता लगेगा उनका क्या दर्जा था गाने का। क्या बात है। तो वो तराना जो है जी, तराना सुनाइए वो जी। अब पहले ज़माने में गाड़ियाँ जो चलती थी वो ज़्यादा स्पीड से नहीं चलती। अच्छा। कोयले से चलती थी जी। तो जुग 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 दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा बंदा है तार इश्की का, बंदा है तार हिस्की का, खबर जाना के आदि मेरे इस
स्टेशन पे गम की रेल जाते बंदा है तार हिचकी का खबर जाना के आती है मेरे इस दिल के स्टेशन पे गम की रेल जाती है हिचकी लगती है जब कोई याद करता है जी 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 बैठे बैठे बना दिया गाना क्या जबरदस्त बात है देखिए इसका एक दो अंतरे और भी हैं जो तो स्टेशनों के नाम हैं वो मुझे अभी याद नहीं जो आपको याद है वो सुनाए बंदा है तार हिचकी का बंदा है तार क्या बात है बंदा है तार हिचकी का खबर जाना के आती मेरे इस दिल के स्टेशन पे गम रेल जाती क्या बात तुमरे लाल क्या बात है ये उनका नमूना क्या बात है वाह और मेरी दादी बहुत सारी बातें कहती थी जी हद्दू खां के बारे में जी और सारे परिवारों के बारे में क्योंकि निसार हुसैन खान साहब घर में ही रहते थे तो सारी बातें उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद आए थे अच्छा हमारे घर में जी अब वो कब आए थे इसका मुझे पता नहीं था जी। दूसरी बात कहती है कि दो खां साहब आए थे पंजाब से अब वो कब कौन से खां साहब कब बहुत सारे खां साहब थे पता नहीं तो मुझे इसका पता लग गया कि 1892 में स्वामी जी ग्वालियर आए थे और जब ग्वालियर आए तो उनकी इच्छा हुई पखावज बजाने की स्वामी जी बहुत अच्छा पखावज बजाते थे अच्छा। और गाते भी थे वो अच्छा तो उनको लोग पंडित परिवार के यहाँ ले आए तो स्वामी जी ने फिर इनसे कहा तो इन्होंने दोनों ने गाना गाया और उन्होंने पखावज बजाए स्वामी जी ने फिर एकनाथ पंडित जी ने कहा कि स्वामी जी आप गाइए हम पखावज बजाएंगे तो इस तरह का समागम घर में हुआ स्वामी जी का उसके बाद में दो खां साहब के बारे में कोई मुझे पता नहीं लग रहा था मगर मैं एक साल जलंधर में रेडियो में था मैं प्रोड्यूसर भी रहा हूँ तो जलंधर में बाकर हुसैन खां साहब आते थे जो कि पटियाला घराने के खलीफा तो उन्होंने मुझे बात कही कि हमारे जो मूल पुरुष थे वो ग्वालियर गए थे और शंकर पंडित जी से विट्ठल मंदिर में मिले थे अब विट्ठल मंदिर एक ऐसी जगह है जो विट्ठल मंदिर सिर्फ महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के लोगों को यहाँ होता है विट्ठल मंदिर और जगह कहीं होता नहीं जी, तो मैंने कहा फिर तो उन्होंने कहा कि वो उनको स्टाम्प चाहिए था कि वो जो गा रहे हैं वो गाना ठीक है क्योंकि ख्याल तो शब्दू ऐसा प्रचलित नहीं था विलंबित ख्याल तो उसको वो ख्याल बराबर है कि नहीं वो सुनाने वो आए थे तो फिर शंकर पंडित जी ने उनको कुछ सुझाव दिए और वो कुछ दिन रहे वहाँ
इस तरह से। और कभी हद्दू खान साहब भी हमारे घर पे आते थे, तो ये बातें बहुत सारी बातें हैं ये तो। जी जी नहीं वो हाँ मुझ, तो वो आपने कहा कि वो ये जो एक तरह का ये बहुत सारी बंदिशें उन्होंने बनाई, तो एक बंदिश है जिसके शब्द हैं विष्णु पंडित जी के और तर्ज है निसार हुसैन खान साहब की। ओ वाह, ये निसार हुसैन खान ग्वालियर वाले। जी जी मैं निसार हुसैन जी जिनकी अभी जिक्र, ये तराना जिनकी थी। जी जिनका ये तराना है। जी तो ये वो बंदिश आपको मिताजी सुनाएंगे। अलैया बिलावल शिव हरा है भव हर। अलैया बिलावल का ये मराठी का पद है। अच्छा, तो पद उनकी थी और रचना निसार हुसैन खान साहब ने की थी। निसार हुसैन खान साहब, अच्छी बात। निसार हुसैन खान मराठी बड़ा अच्छा, उनकी बहुत सारी मराठी बंदिशें हैं। निसार हुसैन खान साहब, क्या बात है, मराठी बहुत अच्छा बोलते थे। जी जी, मेरे ना ब्राह्मणों का पंक्ति में बैठते थे भाई, और उस समय समाज इतना इनके लिए सहिष्णु था, इतना अदरवाइज ब्राह्मण किसी को छू ले तो वो घर पे आके नहाता था। ये धर्म निरपेक्षता की जो बात कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इस गाने में भी दिखता है। जी जी, आप पद विष्णु पंडित जी ने बनाई और रचना निसार हुसैन खान साहब ने उसको दिया है। आप सुनाए उनके ऐसे बहुत सारे पद हैं, तुझे बिना हरी मजे कौन रे, यानी भगवान तेरे से मेरा कौन है। जी ऐसा उनके मराठी में बहुत सारे उनके बंदिश हैं। जी पिताजी, अलैया बिलावल है। Perhaps ये हमारा पहला राग था जिससे हमने शुरुआत की थी आपकी तालीम। हाँ, यमन अलैया बिलावल, तो ये सारे इतने घोट घोट के कि हम कभी कभी हमारे मदर को, आई को हम लोग कंप्लेन करते थे कि पिताजी और कुछ सिखाते नहीं हैं हमें, हम बोर हो जाते थे यू नो सिंगिंग वही जो राग। ऑफ कोर्स अलग अलग बंदिशें होती थी, बस बट एज किड्स यू नो हमको और भी सीखना है, और अपने गुरु भाई बहनों को देखते थे कि ये सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं। लेकिन अलैया बिलावल, I suppose this is a very beautiful composition. Absolutely beautiful. शिव हरा है भव हरा,
पंडित जी, ग्वालियर में संगीत की इतनी डिमांड थी कि ख्याल के अलावा कई और शैलियाँ और उप शैलियाँ गाई जाने लगीं, जैसे चतुरंग, तिरवट, ख्यालनुमा। तो इसके बारे में आप कुछ हमें बताएं कि इतनी सारी शैलियाँ की। हाँ, विभिन्न शैलियाँ उस समय प्रचलित हुई ग्वालियर में विभिन्न शैलियाँ प्रचलित हुई, और जिसमें ये आपने जो इसे बताया कि चतुरंग यानी चार तरह के गीतों का संगम एक में, जिसे इसमें कविता तथा काव्य, और उसके बाद तराने के शब्द हैं, उसके बाद सरगम के शब्द, और उसके बाद पखावज के बोल। तो इनके एक एक लाइनें, एक एक आती थी, एक एक पद, और उससे बनकर चतुरंग हो गया। चार इस तरह के कई अनेक चार अनेक चार, जैसे ख्यालनुमा, आप ख्यालनुमा की बात कर रहे थे, तो उसके बाद त्रिवट है इत्यादि। ख्यालनुमा भी इसी तरह का है। ख्यालनुमा मतलब तराने के बोल, और बड़ा ख्याल का और विलंबित ख्याल का उसका रूप, उसका ट्रीटमेंट, सब ख्याल की ट्रीटमेंट होती है। तराना विलंबित में जो गाते हैं उसको ख्यालनुमा कहते हैं। कुछ आप सुनाएं इसमें? जरूर सुनाऊं, कोशिश करता हूं। क्या चीज आप सुना रहे हैं? यमन में है जी, पुराना है, तेले नादरे धीम जी, तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है जी, जी वो सुनाऊंगा जी। Yeah.
हमारे गाने तुझे तेले ले तरह से ये ख्याल को आप तराना के तौर से तराना की तरह गाते हैं और विलंबित में गाते हैं इसको ख्याल के जैसे गाते हैं जी जी इसमें तो ख्यालों में तो बोल होते हैं इसमें अलग तराने के बोल होते हैं मतलब कोई लोग बोलते हैं इसका मतलब है कोई बोलते हैं इसको शुष्काष्कर गीत है जी, ऐसा कहा जाता है मैं तो जानता नहीं जी, Thank you.